आपको गेमिंग वीडियोस बनानी है अपने फेवरेट क्रिएटर की तरह लेकिन आपके पास में केवल एक स्मार्टफोन है तो आपके दिमाग में भी काफी सारे क्वेश्चंस होंगे भाई गेम प्ले की ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं भाई ऑडियो तो रिकॉर्ड होगी अब मेरी आवाज कैसे जाएगी गेम प्ले में भाई मिथपेट जैसी वीडियो बनानी है जिस वीडियो में गेम प्ले भी हो और फेस कैम भी हो और ये वीडियो फोन से बनानी है तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे आप भी इस वीडियो को देखने के बाद में अपने फेवरेट क्रिएटर की तरह वीडियो बना पाओगे अपलोड कर पाओगे यूट्यूब के ऊपर केवल एक स्मार्टफोन से बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना

और तीसरा तरीका ये हो गया जैसे मिथपेट जैसे अपनी वीडियोस बनाता है जिस वीडियो के अंदर अपना गेम प्ले भी, भी होता है फेस कैम भी होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है तो ये सारी चीजें आपको अपने फोन से स्टेप बाय स्टेप कैसे रिकॉर्ड करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एडिटिंग करना भी सिखाऊंगा इस पे नहीं फोन पे सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाकर एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लो सिंपल इसे ओपन कर लो यहाँ पर आपके साइड में एक आइकन आ जाएगा इसके ऊपर सिंपली क्लिक करके आपको जो है इसकी सेटिंग के अंदर चले जाना कुछ इस तरीके से अब सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वालिटी सेलेक्ट करनी है अगर आपका फोन थोड़ा लो एंड है तो क्वालिटी भी आपको थोड़ी कम कर लेनी है बिड रेट के अंदर भी ऐसे ही रखना है पहले आपको जो है ज्यादा एमबीपीएस जो है यहाँ पर स्पीड सेलेक्ट करनी है अगर आपका फोन लेग हो रहा है या फिर रिकॉर्डिंग लेग हो रही है तो थोड़ा कम करके देखो आठ पे लो सेवन के ऊपर लो तो इस तरीके से आपको करना है एफपीएस के अंदर भी आपको ऐसे करना है अभी मैंने सिक्सटी एफपीएस

वन के अंदर जो है यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी सिंपली मैं कोई भी यहाँ से गेम स्टार्ट कर लूंगा एंड उसके बाद में पूरा गेम रिकॉर्ड करने के बाद में इसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ अब वॉइस ओवर कैसे करना है इसी वीडियो के अंदर आपको आगे पता चल जाएगा अब बात कर लेते हैं सेकंड तरीके की कि भैया आपको गेम प्ले तो रिकॉर्ड करनी है लेकिन उसी के साथ में जो भी आप बोल रहे हो वो ऑडियो भी आपको अलग से रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए आपके फोन की सारी सेटिंग बिल्कुल सेम रहने वाली है रिकॉर्डिंग भी आपको इसी तरीके से स्टार्ट करनी है लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा अपना एक दूसरा स्मार्टफोन लेकर आ जाओ अब ये स्मार्टफोन होना भी कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर अगर एक जियो का फोन होगा

स्टार्ट करनी है लेकिन एक चीज ध्यान रखना जब यहाँ पर आएगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले वो अपन को अपने मुंह से भी बोलना है थ्री टू वन ताकि ये जो थ्री टू वन है हमारे इस वाले फोन के अंदर रिकॉर्ड हो जाए और जब हम एडिट करेंगे वो इन दोनों को मर्ज करने में हमें आसानी होगी ठीक है ये आपको एडिटिंग के अंदर जाकर पता चल जाएगा लेकिन एक बार आप यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो थ्री टू वन ये हमको बोला है और अब जो है आप आराम से अपना गेम वेम खेल सकते हो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड यहाँ पर हो जाएगी गेम की ऑडियो हमारे इस फोन के अंदर रिकॉर्ड हो ही रही है कुल मिला के हमारे रिकॉर्डिंग वाला काम कंप्लीट हो चुका है अब फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको इस तरीके से फोन सामने लगा देना किसी तो स्टैंड के ऊपर या फिर कहीं पर भी आप रख सकते हो फोन को एंड उसी के साथ में इसके अंदर आप चाहो तो माइक या फिर ईयरफोन भी लगा सकते हो एंड आपको सिंपली अपने फोन के अंदर कैमरा ऑन कर लेना है एंड कैमरा के अंदर जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेनी है ठीक है अब यहाँ पर मेरा रिकॉर्डिंग भी हो रही है और जो माइक से है मेरी ऑडियो भी मेरे फोन के अंदर जा रही है ठीक है अब यहाँ पर बात अच्छा

थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दो और उसी के साथ में थमनेल पर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है फिलहाल अपन बात करते है, वीडियो एडिटिंग की करो, थोड़ा सा कहीं से यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो है गेम प्ले लेकर आ जाना है सिंपली क्लिक कर अब यहाँ पर अगर आपको वॉइस ओवर करना है तो आपके लिए बहुत कम काम है सबसे पहले आप वीडियो के ऊपर क्लिक करो देन यहाँ पर जो भी फालतू के पार्ट है उन्हें कट कर लो जो आपको वीडियो के अंदर रखना है वही आपको जो है यहाँ पर टाइमलाइन पर दिखना चाहिए उसके सिंपली जैसे ये वाला मैच यहाँ तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो ये वाला पूरा पार्ट मेरे लिए खराब है तो इस वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा एंड उसके बाद मैं स्प्लिट करूंगा ठीक है एंड उसके बाद मैं और आगे जाऊंगा जहां तक मुझे जो है ये नहीं चाहिए ठीक है यहाँ पर खत्म हो चुका है तो यहाँ पर एक और बार स्प्लिट करूंगा एंड ये जो बीच वाला पार्ट है जो की मेरे काम का नहीं है इसके ऊपर सिंपली क्लिक करके ये साइड में आपको डस्टबिन वाला वाला डिलीट ऑप्शन मिल रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है अब इसी तरीके से आपको जो है पूरा वीडियो देखनी है एंड वीडियो के अंदर जो जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उसे सिंपली वीडियो पर क्लिक करके सीजर वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर सिंपली आपको स्प्लिट कर लेना है एंड जहां तक नीचे वहां तक स्प्लिट करो एंड जो बीच वाला पार्ट होता है उसे सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट कर लो अब वॉइस ओवर करने के लिए यहां पर आपको एक माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है है उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक क्लिक करना है। देन यहां पर जो आप स्टार्ट बटन पे जैसे करोगे आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी आप चाहो तो अपने फोन के अंदर जो है माइक भी लगा सकते हो ताकि आपकी ऑडियो और ज्यादा अच्छी आए एंड उसके बाद में जो भी ऑडियो आपने रिकॉर्ड किए उसमें अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो उसे भी आप कट कर सकते हो अब आती तीसरे तरीके की वीडियो को एडिट करना इसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर आपका फेस कैम भी है आपका गेम प्ले भी है तो गेम प्ले तो हम यहाँ पर पहले लेकर आ चुके हैं अब उसके ऊपर जो है हमारा फेस कैम आना तो लेयर के ऊपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर वीडियो लेयर के ऊपर चले जाएंगे एंड आपको जो है अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है पर अपनी गैलरी में से अब अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि वन टू थ्री बोलना आपको अपना गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले और देखो मैंने इस वीडियो के अंदर भी थ्री का आइकन यहाँ पर जो है अंगुलियों से बता रखा है टू बता रखा है उसके बाद में वन बता रखा है अब वन होने के बाद में मेरी जो है ये गेम प्ले आपको ऊपर दिख रहा है उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी मतलब की मुझे जो है वीडियो को क्लिक करना है हमारे कैम वाली वीडियो के ऊपर देन वहीं पर आपको ट्रीम वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है जो आपको लेफ्ट साइड की वीडियो उसे हटा देना है है ठीक और अब इसे जो है पूरा आगे लेकर आ जाओ अब यहां पर आपका गेम प्ले आपका फेस कैम आपकी ऑडियो तीनों मर्ज हो चुकी है तीनों बिल्कुल सही से साउंड कर रही है कोई आगे पीछे नहीं है तो ये वन टू थ्री बोलना आपके एडिटिंग को बहुत ज्यादा ईजी कर लेता है अब हमें इतना बड़ा फेस कैम नहीं चाहिए तो हम सिंपली हमारी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे फेस कैम वाली उसके बाद में नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्रोपिंग वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको जाना है एंड उस तरीके से कुछ जो है अपना जो है वीडियो को

बड़ा हो जाए तो उसके लिए क्या करूंगा मैं सबसे पहले की फ्रेम तो यहाँ पर लगूंगा इस तो इसको आप जो है यहाँ पर अपनी कहा जाता हूँ एकदम बड़ा कर लेता हूँ कर लेते हैं अब जब है। आप वीडियो को प्ले करोगे तो इन की फ्रेम के बीच के अंदर आपको पूरा एनिमेशन देखने को मिलेगा जैसे मैंने ये प्ले कर दिए और ये आप देख सकते हो अब इसी की फ्रेम को अगर मैंने थोड़ा सा पहले लगाया होता तो एनिमेशन और जल्दी होता तो इसी तरीके से आपको की फ्रेम वगैरह लगानी होती है तो ये एक चीज आप अपने वीडियो के अंदर कर सकते हो उसी के साथ में आप टेक्स्ट भी लगा सकते हो जैसे वीडियो के अंदर मैं बहुत ही भारी भरकम चीज बोल रहा हूँ जैसे फाइव डायमंड या फिर फाइव हम यहाँ पर सुपर चेट करने वाले तो उस समय क्या कर सकते हो आप यहाँ पर लेयर के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट लेयर के अंदर जा सकते हो एंड यहाँ पर जो भी आपको लिखना लाइक फाइव या फिर कुछ भी आप लिखकर ओके पर क्लिक करो देन इसे जो है पूरा बड़ा करके इसका फोन वगैरह चेंज कर सकते हो आप कोई भी वीडियो में कई बार फेस कैम को लोग इतना बड़ा छोटा भी कर लेते हैं एंड उसी के साथ में आप मीम वगैरह भी लगा सकते हो अपनी वीडियो के अंदर जैसे लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है गैलरी में जो भी आपने यूट्यूब वगैरह से मीम डाउनलोड कर रखे उन्हें जो है लेकर आ जाओ यहाँ पर क्लिक करके और वो मीम भी आप अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हो तो इसी तरीके से जो भी चीजें मैंने आपको बताई है उसी में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ नया करते करते या फिर कुछ एडिटिंग स्टाइल को थोड़ा थोड़ा चेंज करते करते इसके अंदर एडिटिंग करनी है अपना पूरा गेम प्ले वीडियो एडिट करनी है और सिंपली यूट्यूब पर अपलोड करनी है और एक और बात है थमनेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो इस चीज का ध्यान रखना थमनेल के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी आप वीडियो पूरी देखोगे नहीं मेरी वीडियो प्रमोट करेगा नहीं पहले से चैनल की रीच थोड़ी सी डाउन हो रखी है तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो बाकी यही था एडिटिंग का टूटोरियल जी तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा यूट्यूब ने अभी मेरे चैनल की रीच थोड़ी सी डाउन कर लिए तो अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो आप जरूर से एक कमेंट कर लो जो भी अगर आपको वीडियो के अंदर अच्छा लगा है उसी के साथ में वीडियो को लाइक कर लिया करो नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं कर रखे आपने तो उसके ऊपर भी क्लिक कर लो ताकि थोड़ा सा चैनल की रीच वापस से बढ़ जाए और इस रीच को आप ही बढ़ा सकते हो तो ये सारी चीजें आप याद से जरूर से कर लेना बाकी अपन बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के अंदर मिलते हैं काफी सारी गेमिंग रिलेटेड गेमर से रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पे आने वाला है तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है बाय